अबे आज अपन ज्ञात करेंगे परागण अंकुरण की प्रतिशतता। क्या ज्ञात करेंगे? परागण अंकुरण की प्रतिशतता। इसके लिए दो चार फ्लोवर की आवश्यकता होती है, तीन चार प्रकार के पुष्प की जरूरत होती है, लेकिन अपने पास अभी अवेलेबल क्या है? गुड़हल। क्या अवेलेबल है? गुड़हल है, चाइना रोज है। अब अपन क्या करेंगे, इसकी प्रतिशतता निकालते हैं। आया समझ में? इसकी प्रतिशतता निकालने के लिए अपन को एक तो चाहिए बोरिक एसिड पाउडर फॉर्म में, आया समझ में, एक चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट, क्या चाहिए भाई? कैल्शियम नाइट्रेट। और एक चाहिए सुक्रोज, क्या चाहिए? सुक्रोज। इन तीनों का सुक्रोज की मात्रा, सुक्रोज की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज्यादा रहेगी, आया समझ में, लेकिन बोरिक एसिड और कैल्शियम नाइट्रेट है इसकी क्वांटिटी मिलीग्राम में रहेगी। किसमें रहेगी? मिलीग्राम में। जो कि मैंने ये सुक्रोज की क्वांटिटी ले ली है, ये बोरिक एसिड की ले ली है, और ये कैल्शियम नाइट्रेट की क्वांटिटी ले ली है, आया समझ में। इन तीनों का मैंने पहले से ही एक गोल तैयार कर दिया है, आया समझ में, एक गोल तैयार करके मैंने पहले से ही रख दिया है। अब अपन क्या क्या करेंगे, इनके पोलन ग्रैंड परागकणों को निकालेंगे। क्या करेंगे? परागकणों को निकालेंगे, इनके परागकणों को निकालेंगे। हां, अपन को एक फ्रेश एक स्लाइड लेनी है, इसको रख देते हैं। अब अपन को एक डीजल की जरूरत होगी और एक साफ सुथरे गुड़हल की चाइना रोज की जरूरत होगी, जिसमें इसके देखो ये वायु दल है, क्या है भैया? वायु दल। इसको अपन क्या करते हैं, निकाल देते हैं हाथ की मदद से, क्या करते हैं इसको निकाल देते हैं पहले तो, आए समझ में, ये निकाल दिया मैंने। अब अपन क्या करते हैं, ये जो गोल तैयार किया है सुक्रोज बोरिक एसिड और कैल्शियम नाइट्रेट का जो गोल तैयार किया गया है, जो विलयन अपने तैयार किया गया है, इसकी दो या तीन तीन बूंद देंगे, आए समझ में, और एक साफ स्लाइड पर रखेंगे। ये मैंने दो या तीन बूंद से ज्यादा ले लिया और स्लाइड रख दिया है। अब अपन को क्या करना है, चाइना रोज दिख रहा है, इसके जो परागकणों को निकालना है, लेकिन निकालना किसकी सहायता से है? नीडल की सहायता से। किसकी सहायता से निकालना है? नीडल की सहायता से। इसको क्या करते हैं, स्प्रिंग करते हैं, समझ में, स्प्रिंग करने से इसके जो पोलन ग्रेन है परागकण, वो आराम से निकल जाएंगे। इसको कुछ समय से स्प्रिंग करते हैं, आया समझ में, जिसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, जो परागकण है पोलन ग्रेन है वो आसानी से निकल जाएंगे। अपन को साफ एंड क्लीन चाइना रोज देना, आया समझ में भाई? ये अपन इसको स्प्रिंग कर लिया है और इसको साइड कर दिया है। अब अपन क्या करते हैं, एक कवर ग्लास निकालते हैं। निकालो भाई, कवर ग्लास निकालो। इस कवर ग्लास को जो अपन ने सॉल्यूशन डाला और जो पोलन ग्रेन डाले हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है? जो कैलकुलेशन इसकी प्रतिशतता कैसे निकालनी है वो भी आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। अब देखो साइड वाला पोर्शन इसको क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, आया समझ में। अब अपन क्या करते हैं, इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से परीक्षित करते हैं, देखते हैं। ये देखो भाई, इसमें कुछ दाने दिखाई दे रहे हैं, इसमें दाने समान जो संरचना दिखाई दे रही है, ये सभी क्या है भाई? परागकण। क्या है भाई? परागकण। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं, गणना निकालते हैं, प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है, आज अभी बोर्ड पे आ जाओ। अब अपन इसकी गणना करते हैं, जो रिपोर्ट के माध्यम से करनी होगी, तो कि अपन में हेडिंग होगा एक विक्रमण के प्रश्न जो बोले ग्रेन जर्मिनेशन यानी कि परागकण अंकुरण की प्रतिशतता। इसके लिए सबसे पहला नंबर ऑफ पोलन इन फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप, इसको किसे रिप्रेजेंट किया है? एंगल लाइन से। किसे रिप्रेजेंट किया है? एंगल लाइन। जो कि जो फर्स्ट लाइन अपन लोगों जो पोलन ग्रेन दिए थे, ऐसा हमने उसको किसे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल लाइन। सेकंड देखो, नंबर ऑफ जर्मिनेटेड पोलन इन फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप, ये पेज को रिप्रेजेंट किया स्मॉल लाइन से। किसे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल लाइन। ये शो करेगा जब अपन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, तब अपन को जो दाने दिखाई देंगे इसको किसे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल लाइन से। ऐसा हमने इनकी कितनी संख्या है इनको स्मॉल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो इसका परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या है, परसेंटेज पोलन जर्मिनेशन स्मॉल लाइन अपॉन कैपिटल लाइन मल्टीप्लाई 100 इसलिए इसका ही करते हैं, ठीक है? कल भी दो या तीन और फ्लोर लाएंगे इसका करेंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोलन मान के चलो इसके निकले हैं मिनिमम 25, कितने निकले हैं? 25। लेकिन इसका टोटल नंबर ऑफ पोलन जर्मिनेटेड ऑब्जर्वेशन के बाद मान के चलो स्मॉल एन इसकी क्वांटिटी निकली है 5, कितने निकली है? 5। अब इसको आगे परसेंटेज के माध्यम से कैसे समझाना है, तो अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, स्मॉल एन डिवाइड कैपिटल एन मल्टीप्लाई 100, ऐसा होने। अब स्मॉल एन इधर कितना है? 5 है। 5 कैपिटल एन कितना है? 25 है। 25 का मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 इधर 0 से 0 काटेंगे, ठीक है? 100 करना। अब देखो डिवाइड करो 5 से करो,
इसमें आपको एक ही फोन लेना है, अलग अलग दौर में से ग्रेन निकालने हैं। ऐसा हमने क्या करना है, अलग अलग दौर में से ग्रेन निकाल के फिर आपको परसेंटेज निकालने हैं। ये आपको समझ में आ गया, पूरी तरह से आ गया।